Hello everyone, we are here to discuss about the teaching learning process in this lockdown time. As per the guidelines of Health Ministry Ayush, we have to take some of the precautionary measures and be safe on this planet. Maintain all veil personal and surrounding hygiene and make distance of 6 feet apart, called social distancing. So we have to teach and learn in this way to protect ourselves and in our society as well. We have to prepare ourselves to face the challenges in a very smart and technological way. Many years ago, there was Gurukul culture, where some selected students like sons, emperors, etc. are there to learn. But the poor section of the society, the children belong to the poor class, are left out. And then afterwards, we are seeing that RTE, that is called Right to Education, also in India. School chale hum moment and ruk jana nahi, etc. But gone are those days when there are some excuses that we have no mobile, lack of technological knowledge, etc. Then how we teach our children well? Now from a vegetable vendor, sabji wala, to a beggar, bhikari, every class had a connection with technology and a medium by which he is connected to the outside world. तो अब हम ये बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम इसका कैसे बेनिफिट उठाएं। अब वो दिन आ गया है, ठीक है, अब वो टाइम आ गया है कि हमें इसका यूज़ करना है, हमें ये जानकारी मालूम करनी है कि इसका यूज़ कैसे करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर बेनिफिट ऑफ अवर स्टूडेंट्स। अच्छा, गूगल, विकिपीडिया एंड लाइक सम एप्स which provide education like Unacademy, Byju's, etc. ये exist करते थे before also lockdown. Also, but artificial intelligence doesn't replace teacher's role. Teacher का role कोई replace नहीं कर सकता, क्योंकि जो teacher का role है वो है एक direction provide करना, तो speed जो होती है वो तो student की ही होती है, तो ये आपके पास पहले से available थे, ठीक है, अभी आप इसका काफ़ी ज़्यादा use कर सकते हो, लेकिन एक authentic knowledge आपको चाहिए तो आपको एक teacher से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ऑल द कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया आर नॉट ऑथेंटिक, राइट नॉलेज एड्रेस एंड इट्स एप्लीकेशन गिवन बाय द टीचर ओनली। आई वांट ऑल द टीचर टू गेट द ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर द स्मार्ट फ्यूचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, सारे टीचर्स को ये नॉलेज होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल करें ना वेरी स्मार्ट वे। लेट अस कॉल दिस टाइम एज कोरोना अपॉर्चुनिटी, नॉट कोरोना क्राइसिस। अभी हम उसे क्या बुला रहे हैं, कोरोना क्राइसिस, पर हमें उसे क्या बुलाना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, दैट इज कोरोना अपॉर्चुनिटी। ड्यू टू दिस दैट यू टर्न इन ई लर्निंग प्रोसेस चेंज टू वी टर्न। अभी जो यू टर्न हो रहा था टेक्नोलॉजी को लेके एजुकेशन में, अब वो वी टर्न में चेंज हो गया है। वी टर्न मतलब क्या हुआ, विक्ट्री टर्न, मतलब एक तरह की आपको एक विक्ट्री मिली, एक जीत मिली है, एज यू विश और नॉट विश, आप चाहे या नहीं चाहे, you have to live in this technological and a very very smart way, ठीक है। Analysis of data regarding the admission of students from school to colleges is only 23-25% and remaining 75% students are left out from higher education। अभी तक 23-25% स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेते थे, लेकिन 75% क्या हो जाते थे, लेफ्ट आउट हो जाते थे। क्यों? बहुत सारी जगह हायर एजुकेशन नहीं मिलता था, कॉलेजेस नहीं है, गर्ल्स को एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है ना, बट इफ़ यू एनकरेज देम टू लर्न बियॉन्ड टाइम, आपको जो टाइम सूटेबल लगता है आप वो टाइम पढ़ सकते हैं ऑनलाइन बैठ के, ठीक है, द टाइम विच इज़ सूटेबल फॉर यू बियॉन्ड जोग्राफिकल लोकेशन, जहाँ जिस जगह आप हैं, जिस जगह मौजूद है, जो गाँव है आपका, जो कस्बा है, ठीक है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की कोई बाउंड्री नहीं रह गई अब आपके लिए, वेर एवर यू आर, ठीक है, नो एज बाउंड्री, आपके लिए कोई एज बाउंड्री नहीं है, ठीक है, तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी भी एज के हों, इवन योर एल्डर्स फ्रॉम योर फैमिली आर ऑल्सो सॉ वीडियो लेक्चर्स टू लर्न समथिंग एंड ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके फ़ोन में आपका इंटरनेट है, ठीक है, आपको अलग से कोई फ़ी पे नहीं करना है, बहुत सारे आपके पास में सोर्सेस हैं, यूट्यूब है, ठीक है, सर्च इंजन से आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट विलिंगली टू कंटिन्यू योर एजुकेशन फर्दर। दिस इज़ द ओनली पॉजिटिविटी विच वी कैन सी इन दिस एरा, सॉरी, तो हम इस एरा में जो पॉजिटिविटी देखते हैं
वो यही है कि हम कहीं से भी हमारा एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हुए। ठीक है, तो ये मेरा एस्पेक्ट था कि कोरोना को आप क्राइसिस ना लें, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। ये एक पॉजिटिव वे आप इसको लेके देख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, सेफ रहें और सोसाइटी को भी सेफ रखें। ठीक है, आपके जो भी वैल्यूबल सजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, वेलकम इन दिस कमेंट सेक्शन एरिया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।